साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं, जहां पर किसानों के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। रविशंकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चलिए आपको दिखा। मंडी एक्ट में सुधार नहीं करोगे तो भारत सरकार का वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। ए पेनाल्टी वॉज प्रपोज, ये इनका इंटरव्यू है। तो आदरणीय शरद पवार जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं केंद्र में, आपके दोनों पत्र मैंने पढ़ दिए, आपका इंटरव्यू पढ़ दिया, रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आप भी खड़े हो गए। तो इसे अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो कुछ अनुचित होगा क्या? आई एम गिविंग यू प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू शो द अटर डुप्लिसिटी ऑफ द अपोजिशन पार्टीज। सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है, भले किसान संगठन कहें कि आप मत आइए। आज मैंने सुना है श्रीमान अखिलेश यादव भी मैदान में कूद गए, तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से याद कराऊंगा। अखिलेश जी, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें आपके आदरणीय पिताजी मुलायम सिंह यादव भी मेंबर हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी वो समाजवादी पार्टी के नीतियों की आखिरी आवाज है, क्योंकि बड़े नेता हैं। उन्होंने भी बहुत साफ साफ कहा है उस रिपोर्ट में कि यह बहुत जरूरी है कि किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त किया जाए। उसमें बाकी लोगों ने भी कहा है, अकाली के लोगों ने भी कहा है, और समाजवादी पार्टी हो या शिवसेना हो, जब सदन में बहस चल रही थी इन्होंने इसका समर्थन भी किया, सुधार करने की बात की, कुछ सावधानी खाली बात की, लेकिन इन प्रिंसिपल समर्थन किया था। यह सब रिकॉर्ड पर है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब जरा मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय जो प्लानिंग कमीशन का एक रिकमेंडेशन आया था वो मैं आपको जरा पढ़ना चाहता हूं। ये 12 से 17 के लिए और 11 में पॉलिसी ऑप्शन जो दिया गया प्लानिंग कमीशन का, तो ये प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट, टाइटल रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मनमोहन सिंह के समय में जो अनुशंसा थी उसमें क्या लिखा हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट में इनैक्ट इंटर स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स रेगुलेशन एक्ट अंडर एंट्री 42 ऑफ यूनियन लिस्ट। तो आज जो हमने काम किया, हमारे करने के 8-9 साल पहले मनमोहन जी की सरकार ये कर रही थी, 2005 में शरद पवार बोल रहे थे। और ये बात देश के सामने बताना जरूरी है कि जिस समय शरद पवार ये बोल रहे थे 2005 में कि अगर आप सुधार नहीं करोगे तो हम वित्तीय सहयोग देना बंद करेंगे, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कौन कौन कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, टीडीपी और बाकी सभी, शिवसेना साथ नहीं थी। तो आप तो हमसे भी आगे अधिक जा रहे थे। तो फिर मैं कहूंगा कि ये जो आपका दोहरा चरित्र है शर्मनाक, कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए भले ही किसान के नेता आपको नहीं बुलाते हों, लेकिन आप किसी भी सीमा में जाने को तैयार हैं, ये देश के सामने आना जरूरी है। अब जरा हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में एक विषय आपको बताना चाहते हैं, और वो ये है कि इसका भी रिकमेंडेशन 2007 से 12 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कहां कहां मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हुआ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा उस समय कांग्रेसी स्टेट था, आसाम उस समय कांग्रेसी स्टेट था, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका 2003 में कांग्रेस स्टेट था, महाराष्ट्र 2006 एनसीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश 2003 दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा 2006 बीजेडी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना। तो इन सबों ने
किसानों के लिए अधिक अवसर जुटाने के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का निर्णय किया। तो मित्रों, हाँ, एक सज्जन और हैं जिनके बारे में मुझे कहना है। मैं सामान्य टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पर वो इतनी टिप्पणी कर रहे हैं तो मुझे उनके बारे में टिप्पणी करनी पड़ेगी। श्रीमान योगेंद्र यादव के बारे में, हाँ, वो भी खड़े हैं, उनकी पार्टी का क्या वजूद है मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन देखिए, 3 साल हमारी सरकार के पूरे हुए तो उनका स्वराज अभियान का ट्वीट देखिए, मोदी सरकार वॉशेज इट्स हैंड्स ऑफ एपीएमसी एक्ट, साइटेड एज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो उस समय अगर कहा गया कि एग्रीकल्चर मंडी एक्ट जो है वो राज्यों का विषय है, उनको सुधार करना है, करना चाहिए, तो ये कह रहे हैं आप क्यों नहीं करते हैं। तो जिस समय हम कर रहे हैं व्यापक चर्चा करके, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो ये आपके सामने आना चाहिए। अब जब पता नहीं योगेंद्र जी के बाद केजरीवाल जी का नाम लेना ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ले लूं और ये विषय मैं आपके सामने रख दूं कि जो नया कानून बना है तो इसको 23 नवंबर 2019 को 2020 को क्षमा करें, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में नोटिफाई करके गजट करके इंप्लीमेंट कर दिया। देखिए, मैं गजट लेकर बैठा हुआ हूं, तो इधर आप विरोध कर रहे हैं, उधर आप गजट निकाल रहे हैं, ये तो उनका काम है। तो मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि यूपीए सरकार के 10 साल में किसानों के सुधार पर मोदी सरकार के बराबर नहीं, कई बार तो कहा कि हम पेनाल्टी लगाएंगे अगर आप सुधार नहीं करेंगे। तब शरद पवार जी ने पत्र लिखा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, प्लानिंग कमीशन ने पूरा विस्तृत पॉलिसी निर्देश दिया, उसको मालूम किया, कई कांग्रेस की सरकार ने इंप्लीमेंट किया। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा 2019 में कि हम मंडी एक्ट को रिपील करेंगे और हम किसानों के लिए पूरे अवसर पैदा करेंगे। तो आप करें तो देश किसानों का कल्याण, हम उसको तरीके से करें बातचीत करके तो आप सड़कों पे आते हैं। ये है डबल स्टैंडर्ड्स, हम इसका जबरदस्त विरोध करते हैं। किसान कुछ निहित स्वार्थों के चंगुल में फंसा हुआ है। हम चाहते हैं देश के छोटे मंझोले किसानों को अपने उत्पाद के लिए नए नए अवसर मिलने चाहिए। और कुछ मैं क्लारीफाई कर दूं, क्योंकि मैं देश का कानून मंत्री भी हूं, किसानों की जमीन न बिकेगी, न लीज पर ली जाएगी, न बंधक होगी। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर कोई सोचते हैं किसान, तो उनकी जमीन न तो बिकेगी, न बंधक होगी, न लीज पर ली जाएगी। द फार्मर्स लैंड शैल नाइदर बी ऑन लीज नॉर विल बी सोल्ड नॉर मॉर्गेज्ड। उनके जमीन पर कोई देनदारी नहीं बनेगी, वो बनेगी तो फसल पर जो कंपनियां आएंगी। बल्कि मैं पढ़ी देना चाहता हूं सेक्शन 8, स्पॉन्सर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग ओनरशिप राइट और मेकिंग परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑन फार्मर्स लैंड प्रमाइसेस। उस सब विस्तार से लिखा हुआ, क्लियर हो गया। दूसरा, आज जो देश में छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, अगर वो समय के अनुसार बदलना चाहते हैं, उनके अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए। आईटी विभाग के रूप में मैं इस विषय को देखता हूं, हमने किसानों के लिए एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नैम बनाया है, समझे आप, जिस पर किसान अपने को रजिस्टर कर सकता है, अपनी फसल बेच सकता है। सिर्फ आपको मैं कुछ आंकड़े देता हूं और देश के सामने आपके माध्यम से आना बहुत जरूरी है। अभी तक 21 प्रदेशों में 1000 मंडियों ने रजिस्टर किया है नैम पर, 1000 मंडीज ऑफ 21 स्टेट्स हैव स्टार्टेड फंक्शनिंग आफ्टर बीइंग रजिस्टर्ड
और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल। कितने फार्मर हैं रजिस्टर्ड? 1,68,00,000। कितने ट्रेडर हैं? 1,51,000। ठीक है, और कितने का व्यापार हुआ है? 1,15,000 करोड़ रुपए का। तो आपने देखा, हमने किसानों को एक डिजिटल मंडी दी तो देश के तमाम मंडियां जुटी 1,021 प्रदेशों में, 1,68,00,000 किसान जुटे और 1,15,000 का व्यापार किया है। आप अवसर देते हैं तो इस तरह से किसान उस अवसर के अनुसार अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए और नए नए अवसर खोजता है। मैं सिर्फ आपको एक बात और बता के अपनी बात समाप्त करूंगा, बाकी तो सारे विषय आ गए हैं। ये हमने सिर्फ आपको दो चीज मैं बता दूं, इस कानून के पारित होने के बाद भी हमने खरीफ में जो फसल होती है उसमें किसान सड़कों पर है और इसी को लेकर के बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि विपक्षियों का डबल स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है और अपने कार्यकाल में वो हमेशा ये कहते थे कि मंडियों को खत्म हो जाना चाहिए और आज वो किसानों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल